मैं आपको दिखाती हूँ कट करके, ये देखिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मुनमुन की रसोई। आज हम मुनमुन की रसोई में बनाने जा रहे हैं उड़द दाल की दही बड़े। उड़द दाल के दही बड़े कैसे बनाते हैं, पहले मैंने छिलकी वाली उड़द दाल को इस कटोरी से, दो कटोरी मैंने उड़द की दाल ले रखी थी, इससे मैंने ओवरनाइट उड़द की दाल को भिगो दिया था। भिगोने के बाद मॉर्निंग में मैंने इसको धुल लिया अच्छे से, और ये देखिए सारे छिलके मैंने उतार दिए हैं। अब इसको ग्राइंड कर लेंगे, पानी नहीं डालेंगे, अच्छे से इसको ऐसे ग्राइंड करेंगे। अगर आप इसको दिन में भिगोना चाहते हैं तो दिन में भिगोने के लिए आप इसको 5 घंटे के लिए मिनिमम आप इसको भिगो सकते हैं, और ये दाल ऐसे ही फूल के तैयार हो जाएगी। ये देखिए ऐसे ही हम इसको बिना पानी डाले पीस लेंगे और एकदम स्मूथ पेस्ट बना लेंगे। कितने अच्छे से ये पिस गया है, एकदम फाइन पेस्ट हुआ है, बस ऐसे ही हमें चाहिए। चलिए फिर इसको जार से हम निकाल लेते हैं। दही बड़े को बनाने के लिए 500 ग्राम मैंने दही ले रखा है, और ये चीनी ले रखा है मैंने। चीनी इस स्पून से 9 स्पून ली है, इसको पूरी डाल देंगे। है आधे स्पून काला नमक मैंने लिया था, और वाइट शॉल्ट है वो मैंने इस चम्मच से ही आधा चम्मच लिया है, इसको भी पूरा डाल देंगे और अच्छे से मिक्स कर देंगे। दही को हमें तब तक मिक्स करना है जब तक जो इसमें हमने शुगर डाली है वो हमारी अच्छे से गल ना जाए। तो चलिए इसको मिक्स कर लेते हैं फटाफट से। हमारे दही बड़े का दही रेडी हो चुका है, अब हम बड़ा बनाने की तैयारी शुरू करते हैं। चलिए अब हम बड़े बनाने की तैयारी कर शुरू करते हैं। अब इसको अच्छे से हम हाथों की हेल्प से हम इसको फेंट लेंगे। ये तब तक हमें फेंटना है जब तक ये फ्लफी ना हो जाए। अच्छे से इसको दबाते हुए हमें फेंट लेना है। ये देखिए फेंटते हुए हमें लगभग 5 मिनट हो चुके हैं, और ये कुछ फ्लफी लग रहा है, आइए हम चेक कर लेते हैं। ये मैंने बाउल में पानी लिया है, और इसमें हम अपने बड़े के मिक्सचर को हाथ से ऐसे डालेंगे। ये देखिए ये बड़ा हमारा नीचे नहीं जा रहा है, ऊपर ही तैर रहा है, इसका मतलब हमारे अच्छे से बड़े मिक्स हो चुके हैं। चलिए अब इसको बनाने की हम तैयारी शुरू करते हैं। ये स्पून से हमने आधा टेबल स्पून नमक ले रखा था, उसको भी हम डाल के इसमें भी मिक्स कर देते हैं अच्छे से। मिक्स हो चुका है हमारा मिक्सर। अब हम हाथों पे पानी लगाएंगे ऐसे, दोनों हाथों पे मिक्सर को हम ऐसे उठाएंगे। ये देख सकते हैं अच्छे से पानी की हेल्प लेते हुए हम मिक्सर को गोल करेंगे। ये देखिए अच्छे से फ्लैट करेंगे जैसे पेड़ा बनाते हैं, बीच में ऐसे हम होल्ड कर देंगे, और उसके बाद ऐसे ही पकड़ के हम दूसरे हाथ पे हम लेंगे और कढ़ाई में बिल्कुल ऐसे डाल देंगे। मैं आपको दूसरा दिखा रही हूँ, ऐसे अच्छे से लोई बनाएंगे, फिर हम इसको पेड़े का आकार देंगे अच्छे से, बहुत अच्छे से गोल कर लेंगे। फिर फिंगर की हेल्प से हम यहाँ बीच में होल करेंगे, और ये देखिए हमारे ये बहुत अच्छे से ये, और इसमें से हम ऐसे डाल देंगे जो मैंने पहला वाला डाला था। ये देखिए बहुत अच्छे से ये ऊपर आ रहा है। ऐसे ही हम सारे बड़े को बना के इसमें घी में अपने डाल लेंगे, और ऐसे ही सारे हम पका लेंगे। ये देखिए इसको हम ऐसे पलट देंगे। ये देखिए कितने अच्छे से ये फूल रहे हैं। ये देखिए ये देखिए ऐसे ही हम इसको पिंक कर लेंगे।
जब तक ये पिंक नहीं हो जाते हमारे, तब तक इसको हम ऐसे ही फ्राई करेंगे। ये देखिए बहुत अच्छे से पिंक हो चुके हैं हमारे बड़े। अब इसको हम पानी में डाल देंगे एटलीस्ट 1 मिनट के लिए। 1 मिनट के लिए हमें इसको अच्छे से डिप कर लेना है। तब तक फिर से वही प्रोसेसिंग हम दोहरा लेते हैं। ये पानी में जो बड़े भिगा रखे थे, अब इसको हाथ से ऐसे प्रेस करेंगे और ऐसे इसमें बड़े दही में डाल देंगे। ये देखिए, ये देखिए ऐसे फिर से, ये देखिए ऐसे अच्छे से पानी इसका निकाल के अब इसमें दही में हम डिप कर देंगे इसको अच्छे से। ये देखिए डिप हो रहा है, इसको फूलने देते हैं। सारे बड़े बन चुके हैं, आइए अब इसको पानी से निकाल के अच्छे से एक्सक्यूज कर लेते हैं इसका पानी और दही में इसको डिप कर देते हैं। सारे बड़े को दही के अंदर ऐसे ही डिप कर देना है और लमसम इसको 30 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ देना है, जिसके इसके अंदर सारे दही अच्छे से घुस जाए बड़े के अंदर। और 30 मिनट बाद मैं आपको दिखाऊंगी। ये देखिए गाइस कितने अच्छे से सारे बड़े हमारे फूल चुके हैं और दही को कितने अच्छे से एब्जॉर्ब कर लिया है, मैं आपको दिखाती हूँ कट करके। ये देखिए, देखिए कितने अच्छे से इसका टेक्सचर कितना अच्छा लग रहा है, कितने अच्छे से इसमें डॉट्स पड़े हुए हैं और बहुत अच्छे से दही बड़ों के अंदर बहुत अच्छे से चला गया है और बहुत जूसी लग रहा है ये देखने में। दही बड़े हमारे अच्छे से रेडी हो चुके हैं, आइए अब गार्निशिंग की इसकी तैयारी करते हैं। इमली की चटनी अच्छे से इस पर डाल देंगे, लाल मिर्च पाउडर, जीरा पाउडर, काला नमक, व्हाइट नमक, सब ऐसे ही 1/1 pinch डाल देंगे। बहुत ही सुंदर दिख रहा है और इसको धनिया की पत्ती से हम गार्निश कर देते हैं। लीजिए, ये देखिए दही बड़े बनके रेडी हो चुके हैं और ये देखते ही मुंह में पानी आ रहा है, अब मुझसे तो रहा नहीं जा रहा और क्योंकि ये बहुत ही अच्छे लग रहा है, बहुत ही डिलीशियस लग रहा है, इतने खूबसूरत दिख रहा है ये कि देखते ही मन करे कि खा जाए। तो ये देखने में बहुत ही अच्छी लग रही है और उससे ज्यादा खाने में बहुत ही टेस्टी है। अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हो तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में मुझे ये भी लिखकर बताएं कि क्या आपने अपने घर में दही बड़े बनाए और दही बड़े बनाए तो आपको कैसे लगे। और इस चटनी का वीडियो मैंने पहले ही डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक डाल रखा है इसका, आप जाके लिंक पे क्लिक करके आप इसकी वीडियो देख सकते हैं। तो मुझे कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी।